जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उन सबको यही लगता है कि जिस दिन हम अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके तुरंत बाद हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे के वॉच टाइम के अलावा भी 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो कि यूट्यूब की लिमिटेशन होती है, उसकी एलिजिबिलिटी में आती है। उनको अगर नहीं करते हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग के यूट्यूबर हैं और स्टार्टिंग से ही उन चीजों को करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले समय में आपको हो सकता है 90 डेज का वेट करना पड़ सकता है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं वो आप सारी चीजें समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 10 लाइक। ठीक है, तो अब हम आपको सीधा लाइक लेकर चलता हूं कि यहां पर यूट्यूब के जो एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है वहां पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कौन से वो 6 काम है जो आपके चैनल पर होने चाहिए। तो दोस्तों डायरेक्ट हमने YouTube की यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे YouTube पार्टनर प्रोग्राम ओवरव्यू एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर क्या करना है आपको मिल जाएगा, देखिए व्हाट यू नीड टू ज्वाइन, मतलब YouTube प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्सेप्ट प्रोग्राम का, यहाँ पर पॉलिसीज एंड गाइडलाइन एंड अलाउ टू मोनेटाइज ऑन YouTube एंड कंप्लीएंस विद देम इज रिक्वायर्ड व्हेन यू एक्सेप्ट पार्टनर एग्रीमेंट विद YouTube। मतलब जो भी YouTube की पॉलिसी है, पहला पॉइंट ये दे रखा है YouTube की पॉलिसी वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद दूसरा क्या है, लाइव इन ए कंट्री रिलीजन वेर यू YouTube पार्टनर प्रोग्राम इज अवेलेबल, मतलब जिस भी देश में आप रह रहे हो क्या वहां पर YouTube पार्टनर प्रोग्राम की सुविधा आपको दी गई है। जैसे कि अभी बहुत सी कंट्री है जहां पर YouTube से पैसा कमाना अलाउड नहीं है, तो क्या आपकी कंट्री में ये सारी चीजें अलाउड है? हैं तो कर सकते हो। जैसे कि मैं इंडिया से हूं तो बिल्कुल यार, हमारे यहाँ इंडिया पर ऑफिशियली आप लीगली यहाँ पर ऑनलाइन करके आराम से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तीसरी क्या है, यहाँ पर आपकी जो पॉलिसी है हैव नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन योर चैनल। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या क्या मतलब होता है कि जैसे कि जब आप वीडियोज बना रहे हो उसमें कोई वीडियो में कुछ गलत इलीगल इन्फॉर्मेशन आपने दी है या किसी दूसरे का कॉन्टेंट आपने लिया था जिसकी वजह से आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, और अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक है एंड उसके बाद आप 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि मोनेटाइज कर ले, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए आपको अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि 90 दिन लेट हो सकते हो मोनेटाइज करने में। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की एंड लीगल वे में यूट्यूब की पॉलिसीज के साथ काम करना शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद चौथा जो स्टेप है यहाँ पर क्या है, 2-step verification, मेक श्योर 2-step verification इज टर्न ऑन योर गूगल अकाउंट। आपका जो भी जीमेल अकाउंट है उस पर 2-step verification इनेबल होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता कि 2-step verification इनेबल कैसे करते हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, हमारे वीडियोस में देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है कि 2-step verification कैसे इनेबल करते हैं। उसके बाद क्या है, 5 क्या है, हैव एडवांस फीचर एक्सेस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का एक एडवांस फीचर होता है जो कि गूगल क्रोम को यहाँ पर एक्टिव किया जाता है, गूगल क्रोम के ब्राउजर में अपने चैनल को लॉग इन करके आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट, इस तरीके से एडवांस फीचर को एक्टिव करेंगे उसके बाद ही आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। एंड तीसरा क्या है, हैव एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट दैट यू लिंक टू योर चैनल और बी रेडी टू सेट वन अप इन यूट्यूब स्टूडियो इन डोंट ऑलरेडी हैव वन। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए क्योंकि जब आप मोनेटाइज करेंगे एंड उसके बाद आपको वहां पर एक गूगल एडसेंस अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी, तो इसलिए आपको गूगल एडसेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब गूगल एडसेंस अकाउंट क्या होता है कि जब आप मोनेटाइज करेंगे तभी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारे काम आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ 6 नियम होते हैं एंड 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे के बाद टाइम के बाद 2-step verification के बाद 0 community गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद जब ये चारों पॉलिसीज आपके मोनेटाइजेशन पेज पर 0 दिखाएंगे एंड बेस्ट दिखाएगा, सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाएगा, बस टाइम हो जाएगा एंड उसके बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। और एक्चुअल में मोनेटाइजेशन के बाद जो होता है ना यूट्यूब, वो सारी चीजें चेक करता है, आपके जो रिव्यू में भेज देता है आपके यूट्यूब चैनल को, वहां पर चेक करता है कि आपके यूट्यूब चैनल पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई जिससे कोई गलत प्रभाव पड़ रहा हो लोगों पर। बहुत सारी चीजों को चेक करने के बाद जब यूट्यूब को लगता है ये चैनल अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट वे में एंड यूट्यूब की पॉलिसीज के माध्यम से काम कर रहा है, तो आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को एक्सेप्ट कर देता है एंड उसके बाद आपके वीडियोज पर एड्स दिखाना शुरू किए जाते हैं और उसके बाद आपकी वीडियो पर रनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेजबल लगा होगा। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो दोस्तों यार इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स से रिलेटेड वीडियोज मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।